हम कई बार स्मार्टफोन लेने जाते और स्मार्टफोन लेने जाते हैं तब हम कंफ्यूज हो जाते और दो स्मार्टफोन के बीच फंस जाते, मतलब ये ले या वो ले, इनमें से कौन सा ले। ऐसे ही कुछ कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज हम हमारे स्टूडियो में दो स्मार्टफोन का कंपेरिजन करने वाले, जो कि सैमसंग का S21 और दूसरा है iPhone 12। जानेंगे इन दोनों में से आपके लिए कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट हो सकता है और कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट फीचर प्रोवाइड कराता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं इन दोनों के डिस्प्ले के बारे में। सैमसंग S21 में हमें 6.2 इंच का एमोलेड डिस्प्ले मिलता है और इसके अगर रिजोल्यूशन के बारे में बात की जाए तो इस फोन में हमें 2400x1080p तक का रेजोल्यूशन मिलता है और साथ ही साथ अगर इसके रिफ्रेश रेट की भी बात की जाए तो इसमें हमें 120Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है। इस स्मार्टफोन के अगर प्रोटेक्शन के बारे में बात की जाए तो इसमें हमें फ्रंट में गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन मिलता है और बैक में प्लास्टिक प्रोटेक्शन के साथ एल्यूमिनियम फ्रेम मिलते हैं, जिससे इसकी डिजाइन और अट्रैक्टिव दिखाई देती है। अब बात करते हैं iPhone 12 के डिस्प्ले के बारे में। iPhone 12 में हमें 6.1 इंच का OLED डिस्प्ले मिलता है, साथ ही साथ अगर इसके रेजोल्यूशन के बारे में बात की जाए तो इसमें हमें 2532x1170 पिक्सल का रेजोल्यूशन मिलते हैं। वही अगर iPhone 12 के रिफ्रेश रेट के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर हमें 60Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है। यहाँ पर रिफ्रेश रेट के साथ साथ डिस्प्ले साइज के मामले में भी सैमसंग थोड़ा सा आगे निकल जाता है। अगर iPhone 12 के प्रोटेक्शन के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर हमें फ्रंट में गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन मिलता है और वहीं पर बैक प्रोटेक्शन के बारे में बात की जाए तो वहाँ पर हमें ग्लास बैक और एल्यूमिनियम फ्रेम का प्रोटेक्शन मिलता है। तो प्रोटेक्शन के मामले में दोनों ही स्मार्टफोन सेम है। अब बात करते हैं इनके कैमरास के बारे में। सैमसंग S21 में हमें ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, जो कि 12 मेगापिक्सल प्लस 12 मेगापिक्सल प्लस 64 मेगापिक्सल है और इसके अगर फ्रंट कैमरा की बात की जाए तो यहाँ पर हमें 10 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। वही अगर एप्पल के बारे में बात की जाए तो iPhone 12 में हमें डुअल कैमरा सेटअप मिलता है, जहाँ पर हमें 12 मेगापिक्सल प्लस 12 मेगापिक्सल ऐसे डुअल कैमरा सेटअप मिलता है। अगर एप्पल के फ्रंट कैमरा के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर हमें 12 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। दोनों स्मार्टफोन के अगर कैमरा क्वालिटीज के बारे में बात की जाए तो सैमसंग में हमें 12 पिक्सल कैमरा क्वालिटी मिलती है, जिसमें पिक्चर क्वालिटी बढ़िया आती है, लेकिन हमें सैमसंग में ट्रिपल कैमरा सेटअप भी मिलता है जो कि 64 मेगापिक्सल के साथ आता है। वही अगर iPhone 12 के कैमरा क्वालिटी के बारे में बात की जाए तो इसमें भी हमें OIS 12 पिक्सल कैमरा क्वालिटी मिलती है, जिससे इसकी भी पिक्चर क्वालिटी बढ़िया आती है, लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ डुअल कैमरा सेटअप ही मिलता है, मतलब सिर्फ वाइड एंगल और अल्ट्रा वाइड कैमरा सेटिंग ही हमें iPhone 12 में मिलती है। वही अगर सैमसंग के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर हमें 12 पिक्सल के साथ साथ वाइड एंगल, अल्ट्रा वाइड एंगल और 3x हाइब्रिड ऑप्टिकल टेलीफोन फीचर भी मिलता है, मतलब 3x हाइब्रिड ऑप्टिकल जूम सिस्टम भी हमें सैमसंग में मिलती है, जो कि सैमसंग कैमरा सेटअप के लिए एक एडवांटेज बन जाता है। दोनों ही स्मार्टफोन 5G स्मार्टफोन है। अगर इनके सेंसर के बारे में बात की जाए तो सैमसंग में हमें फेस लॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, वही एप्पल में हमें सिर्फ फेस आईडी सेंसर ही मिलता है। अब बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में। तो सैमसंग में हमें एक्सोनस 2100 प्रोसेसर मिलता है, जो कि स्नैपड्रैगन का 888 प्रोसेसर जैसा ही, मतलब ये भी एक 5G प्रोसेसर ही है। अगर बात करें इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में तो सैमसंग में हमें एंड्रॉयड 11 मिलता है। अब देखते हैं iPhone 12 के प्रोसेसर के बारे में। iPhone 12 में हमें A14 बायोनिक प्रोसेसर मिलता है, साथ ही साथ iOS 14 की ऑपरेटिंग सिस्टम भी मिलती है। प्रोसेसर और ऑपरेटिंग सिस्टम के मामले में दोनों ही स्मार्टफोन बेस्ट है। आप अगर प्रोसेसर के मामले में सोचेंगे तो दोनों ही स्मार्टफोन मेरी नज़र में एकदम बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड कराते हैं। अगर इन दोनों स्मार्टफोन के बैटरी बैकअप के बारे में बात की जाए तो सैमसंग में हमें 4000mAh का बैटरी बैकअप मिलता है, जो कि 25W के साथ फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। वहीं अगर एप्पल के बैटरी बैकअप के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर हमें 2815mAh का बैटरी बैकअप मिलता है, जो कि 20W तक का आउटपुट देता है। बैटरी बैकअप के मामले में सैमसंग यहाँ पर थोड़ा सा आगे निकल जाता है। सैमसंग में हमें टाइप सी चार्जिंग सिस्टम मिलती है, वहीं पर हमें अगर iPhone 12 के चार्जिंग सिस्टम के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर हमें लाइटनिंग चार्जिंग मिलती है, मतलब जो कि वायरलेस चार्जिंग भी आप कह सकते हैं। अब बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन के प्राइस रेंज के बारे में। तो सैमसंग S21 की प्राइस शुरू होती है 69,999 रुपीज से। वही एप्पल के iPhone 12 के प्राइस के बारे में बात की जाए तो उसकी प्राइस शुरू होती है 79,900 रुपीज से। तो प्राइस रेंज में दोनों ही स्मार्टफोन में 10,000 का फर्क है। अब आते हैं अपने
अपने फाइनल डिसीजन पर कि कौन सा मोबाइल आपको लेना चाहिए और कौन सा नहीं। अगर बात करें दोनों मोबाइल्स की तो दोनों मोबाइल्स में अपने प्राइस रेंज में बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन अगर आप बैटरी और कैमरा की ओर देखें तो यहाँ पर आपको सैमसंग की ओर ही जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर हमें ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है और साथ ही 4000 mAh का बैटरी बैकअप भी मिलता है, जो कि एक प्लस पॉइंट बन जाता है सैमसंग का स्मार्टफोन के लिए। फीचर्स के मामले में दोनों ही स्मार्टफोन लगभग सेम ही है, लेकिन अगर आपको डेली यूजेस के लिए स्मार्टफोन खरीदना हो, जैसे गेमिंग के लिए, वर्किंग के लिए भी अगर आपको स्मार्टफोन खरीदना हो, तो आपको डेफिनेटली सैमसंग S21 की तरफ ही जाना चाहिए। लेकिन अगर आपको नॉर्मल यूजर्स के लिए स्मार्टफोन खरीदना हो तो फिर आप एप्पल की तरफ भी जा सकते हैं। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपका इस वीडियो के बारे में कोई भी सुझाव तो मुझे कमेंट करना ना भूले। अगर आपने इस वीडियो को लाइक या शेयर नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर दिए, शेयर भी कर दिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहता हूँ। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।